नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा नाम मेरी पहचान चैनल पर स्वागत है। आज हम होला अष्टक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा हम सभी को पता है कि होला अष्टक होली के 8 दिन पहले शुरू होता है और इस वर्ष ये 22 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। ये 8 दिन तक चलता है। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि इन 8 दिनों में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताना चाहूँगी कि जिन्हें अगर आप होला अष्टक के दौरान करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कुछ कामों के बारे में जिन्हें करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला, संतान प्राप्ति। संतान प्राप्ति के लिए आपको होला अष्टक के दिनों में गोपाल की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको संतान प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। आप गोपाल जी की पूजा करने के उपरांत माखन का भोग अवश्य चढ़ाएं। नंबर 2, करियर में सफलता। अपने करियर में सफल होने के लिए होला अष्टक के दौरान आपको जौ, तिल और शक्कर से हवन करना चाहिए। इन दिनों अगर आप हवन करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा और आपको आपके करियर में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 3, धन की प्राप्ति। अगर धनवान होना है तो आपको हल्दी की एक गांठ तोड़कर उसे अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए, जिससे आपको धन लाभ होगा। उसके अलावा हल्दी, पीली सरसों और गुड़ से हवन करें, जिससे आपको धन लाभ होगा और आपको पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। नंबर 4, अच्छी सेहत। होला अष्टक के दौरान आपको अच्छी सेहत के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। उसके अलावा आपको इन दिनों में सरसों के तेल से पूरे शरीर की मसाज करनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा आपको इन दिनों में विष्णु सहस्रनाम मंत्र का और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नंबर 5, शादी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनको इन दिनों में साबुत पान के पत्तों पर सुपारी बांधकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।